Controller General of Defense Account, CGDA ने 5 अप्रैल 2019 को एक लेटर रक्षा मंत्री जी को लिखा ओआरओपी की पेंशन इक्वलाइजेशन के बारे में। उन्होंने उस लेटर में लिखा कि आज के रिटायरी कम पेंशन ले रहे हैं बतौर जो ओआरओपी की पेंशन 1/7/2014 से लागू हुआ, और उन्होंने ये सुजेशन दिया कि वन पेंशन का इक्वलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये भी अपने विचार रखे कि ओआरओपी इटसेल्फ जो है क्या वो स्टैंड करता है कि नहीं इसको पूरा करने के लिए या इसका रीजनिंग देने के लिए सीजीडीए ने और पीसीडीए ने 24 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्री जी को एक ब्रीफिंग दी, जॉइंट ब्रीफिंग। उन्होंने स्लाइड्स का इस्तेमाल किया और वो स्लाइड्स हमारे एयर मार्शल सबूर साहब हैं, उन्होंने आरटीआई पे मांगी और वो स्लाइड्स हमारे पास अवेलेबल है। आईएसएम ने उसका एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में हमने पाया कि जो ब्रीफिंग सीजीडीए और पीसीडीए ने करा और जो फिगर उन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट को अपनी सोच को प्रूव करने के लिए रक्षा मंत्री को बताए उसमें बहुत से सवाल उठते हैं, वो क्वेश्चनेबल है और हमारी समझ में नहीं आया। हमने उसको अपने एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है उसका विश्लेषण किया। हमने ये देखा कि उनमें बहुत अंतर है। एक सिपाही नायक और हवलदार के बारे में आज हम बात करेंगे। एक सिपाही जो नॉर्मली 15 से 17 साल में रिटायर हो जाते हैं, उनका उन्होंने जब अपने फिगर दिए तो 15 साल का जो रिटायरी वाई ग्रुप का सिपाही उसको उन्होंने 18,225 रुपया पेंशन बताई, और फिर अगले साल 16 साल में उसको कम कर दिया और दिखाया कि पेंशन 15,175 रुपए हो गई, डिक्रीज हो गई। ये कैसे होता है हमें समझ में नहीं आया। फिर 17 साल का सिपाही उन्होंने 15,557 रुपए बता दिया, थोड़ी और बढ़ गई, और फिर 18 साल में दोबारा 18,207 रुपए पे ले आए, और फिर 21 साल का जो सिपाही है उसको फिर गिरा दिया 15,613 रुपया, और बाद में फिर बढ़ाकर 18,150 कर दिया। ये जो फिगर्स हैं ये हमारी समझ में नहीं आई, क्योंकि एक्चुअल ऑन ग्राउंड के ऊपर हमने पीपीओ मान लिए। एक सिपाही जो 17 साल का वाई ग्रुप का जो 31 मार्च 2019 को रिटायर हुआ है उसकी पेंशन 21,325 रुपया है पीपीओ के मुताबिक जो कि सरकार ने इश्यू किया है। तो उन्होंने तो 15 से 18 तक रखी जबकि एक्चुअल पोजीशन 21,325 रुपया है। जो ओआरओपी वाले हैं जो 1/7/2017 से पहले रिटायर हुए उनकी पेंशन बनती है जो वो ले रहे हैं 17,129 रुपया, उसमें और आज के रिटायरी में 4,296 रुपए का फर्क है। आज का रिटायरी कुछ ज्यादा मिलता है, ये सामने प्रूफ है। और जो सीजीडीए पीसीडीए ने रक्षा मंत्री जी को बताया कि उनको कम मिल रहा है तो ये क्वेश्चनेबल है, इसको ध्यानपूर्वक से देखना होगा। इसी तरह नायक के बारे में, नायक जो नॉर्मली 22 साल में रिटायर होते हैं उनकी पेंशन उन्होंने एक सिपाही की पेंशन एक्चुअल से भी कम बता दी। उन्होंने ये बताया कि एक जो 17 और 18 साल का नायक है उसकी पेंशन 20,307 रुपया, जब वो 19 साल सर्विस का डिक्रीज करके 20,000
266 रुपया, 260 रुपया, और फिर 20 साल वाले का इंक्रीज करके 20,582 रुपया, और फिर 22 साल वाले को फिर कम करके 19,107 रुपया। नौ ये भी ऊपर अप डाउन करते रहे, कहां से ये फिगर है इसका हमें मालूम नहीं, क्योंकि एक्चुअली एक नायक जो 22 साल नौकरी की, एक सिपाही की 21,325 है, तो नायक की 5 साल और सर्विस करने के बाद वो 18,000 या 17,000 19,000 नहीं हो सकती, उसकी पेंशन 22,000 से ज्यादा होगी। ये हमारा विश्लेषण है। इसलिए जो नायक है उसको भी आज 22,000 से ज्यादा मिलते हैं, और ओआरओपी के मुताबिक उसको पेंशन मिलती है 18,427 रुपए, और इनमें अंतर है 3,573 रुपए का। तो आज का जो नायक है उसको ज्यादा पेंशन मिलेगी, और जो पहले रिटायरी है 1/7/2014 से उनको कम मिल रही है। तो ये इक्वलाइजेशन तो होना चाहिए, और ये जो सीजीडी ने बताया वो हमारी समझ में नहीं है, और उसको कम बता रहे हैं, उसको एक्चुअल फिगर से उनको देखना होगा। हवलदार की पेंशन, एक हवलदार जो 24 साल में रिटायर होता है, तो जो सीजीडी पीसीडी ने बताया है कि उनकी पेंशन 21,407 रुपए 19 साल का हवलदार, और जो 20 साल का हवलदार उसका 21,207 रुपया, 22 साल का हवलदार 21,950 रुपया कम कर दिया फिर, और फिर उन्होंने और डिक्रीज कर दिया 24 साल वाले को 21,207 रुपया। तो ये भी अप एंड डाउन कर दिया, जबकि एक्चुअल विश्लेषण ये है। हमारे पास पीपीओ है हवलदार के, वाई ग्रुप के 24 साल के, उसकी पेंशन 23,025 रुपया, वो रियलिटी है और एक्चुअल है ग्राउंड के ऊपर। ये पीपीओ हमने रक्षा मंत्री जी को भी भेजे हैं लेटर में, अपनी जो लिखी 3 सितंबर को जो लेटर लिखी है उसमें बताए हैं। इनमें जो अंतर है, जो एक्चुअल ओआरओपी को जो मिल रहा है वो है 20,067 रुपया, इनमें अंतर है 2,598 रुपए का। तो आज वाले को ज्यादा, पिछले वाले को कम, तो इक्वलाइजेशन की जरूरत है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्री 2014 के रिटायरीज हैं उनके साथ बेइंसाफी होगी अगर इक्वलाइजेशन नहीं किया, और वो ओआरओपी भी नहीं होगा, क्योंकि ओआरओपी की डेफिनेशन सरकार ने जो बनाई है वो करंट पेंशन भी पिछले वालों को होनी चाहिए, और वो करंट पेंशन ज्यादा है, इसलिए इक्वलाइजेशन होना चाहिए। हम रक्षा मंत्री जी से, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका ठीक तरीके से छानबीन कर इंसाफ करें, और हमारे जवान नायक और हवलदार को इंसाफ दिलाएं। जय हिंद, भारत माता की।